दोस्तों, एजुकेशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक के कंपोनेंट के लिए फ्लो एनालिसिस नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो प्लास्टिक का कंपोनेंट है, टू कैविटी का है, तो इसके लिए अंदर फ्लो एनालिसिस हम लोग करते हैं। और क्यों इसके लिए एनालिसिस को हम लोग करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, व्हाई मोल्ड फ्लो एनालिसिस, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होता है कि फ्लो एनालिसिस की हमको जरूरत क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कंपोनेंट के बारे में जिसके लिए एक मोल्ड क्रिएटेड है, मतलब बोल सकते हो कि एक चेयर का कंपोनेंट है, इसके लिए हम लोगों ने मोल्ड बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई इसके अंदर फील्ड एनालिसिस कैसा होगा, या फिर ये कंपोनेंट बन के तैयार हो पाएगा कि नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास जरूर रहेंगे, राइट। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग फ्लो एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। देखो, वेयर शुड बी द गेट लोकेशन, अगर मेरे पास ये कंपोनेंट है तो इसके अंदर गेट का लोकेशन कहां पर रहेगा। सी, यहाँ पर तीन लोकेशन है मेरे पास। ठीक है, तो तीनों लोकेशन में कहां पर गेट का लोकेशन रहेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए फ्लो एनालिसिस की हमको जरूरत होती है। ठीक है, हाउ मेनी गेट रिक्वायर्ड, कितने गेट की रिक्वायरमेंट है, वन टू और मोर, अगर उससे ज्यादा गेट की रिक्वायरमेंट है उस कंपोनेंट को फिल करने के लिए तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए फॉर दैट कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पीपी मटेरियल है, पीसी, एबीएस, पीए मटेरियल या कॉम मटेरियल। ठीक है, तो पीयू मटेरियल है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई सा भी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोगों को मटेरियल वहां पर यूज करना चाहिए, या फिर जो भी कंपोनेंट का एप्लीकेशन हो उसके हिसाब से हमको मटेरियल यूज करना चाहिए। ठीक है, फील एनालिसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर हम लोग लोअर विस्कोसिटी का मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, राइट। ठीक है, व्हाट आर द ऑप्टिमल प्रोसेसिंग कंडीशन, कि भाई प्रोसेसिंग कंडीशन उसकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि मोल्ड का टेम्परेचर। ठीक है, अगर मोल्ड के टेम्परेचर की बात करूं तो मोल्ड का टेम्परेचर कितना है, तो मोल्ड के टेम्परेचर के ऊपर भी चीजें वेरी करेंगी। ठीक है, तो मोल्ड का टेम्परेचर भी ज्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सा प्लास्टिक मटेरियल वहां पर हम यूज कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, राइट। उसके बारे में बात करता हूँ प्लास्टिक मेल्ट टेम्परेचर। प्लास्टिक मेल्ट टेम्परेचर कितना होगा, अगर ज्यादा मेल्ट टेम्परेचर रहेगा तो हो सकता है प्रॉब्लम होगी, तो हमको लोअर मेल्ट टेम्परेचर का प्लास्टिक मटेरियल चूज करना पड़ेगा, राइट। ओके, एंड सबसे लास्ट में जो है वो है होल्डिंग प्रेशर। ठीक है, होल्डिंग प्रेशर मतलब क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग प्रेशर, मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कितने प्रेशर से या फिर कितने फोर्स से किसी मोल्ड को होल्ड करके रखती है, राइट। ठीक है, तो उसको बोलेंगे होल्डिंग प्रेशर। तो होल्डिंग प्रेशर के बारे में आपको पता है कि ये इंजेक्शन प्रेशर हो वो अगर मैं प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो यहां से इस डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको भी जानने के लिए इंजेक्शन प्रेशर हमको पता चलता है, राइट। व्हाट विल बी द फील्ड टाइम, एक कंपोनेंट को भरने के लिए फील्ड टाइम कितना लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस कंपोनेंट को भरने के लिए मुझे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1.90 सेकेंड। ठीक है, 1.90 सेकेंड, मतलब अबाउट 2 सेकेंड के आसपास मुझे इस कंपोनेंट को फील करने के लिए लगेगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लो एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग टाइम कितना रिक्वायर्ड है किसी कंपोनेंट को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, ताकि हम लोग इसके उसको इंजेक्शन टेम्परेचर तक पहुंचा सके, राइट। तो कूलिंग टाइम कितना लगेगा उसको भी पता करने के लिए फ्लो एनालिसिस की जरूरत होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो कूलिंग टाइम है वो है 2.671 सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट वॉल थिकनेस। कंपोनेंट का जितना वॉल थिकनेस रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो, मोल्डिंग डिफेक्ट प्रिडिक्शन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं बोल दूं मोल्डिंग डिफेक्ट के बारे में हमको पता चलेगा कि कौन कौन सा डिफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस हो सकता है और कितनी उसकी संभावना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वॉइड्स हैं, बर्म मार्क, सिंक मार्क, राइट, वॉर्पेज, फ्लैशेस, शॉर्ट शॉर्ट, राइट। तो ये कुछ आप बोल सकते हो क्या है, ये है डिफेक्ट्स, मोल्डिंग डिफेक्ट। ठीक है, अगर मोल्डिंग डिफेक्ट के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मोल्ड कोर्स के अंदर लेक्चर नंबर 17 को आपको देखना जरूरी है। मोल्डिंग डिफेक्ट के उसके सॉल्यूशन के बारे में वहां पर मैंने आपको बताया है, जहां पर सभी मोल्डिंग डिफेक्ट, जितने भी तरह के मोल्डिंग डिफेक्ट होते हैं उसके सॉल्यूशन आपको पता चल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ऑटोडेस्क मोल्ड फ्लो एडवाइजर का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, इसका इंटरफेस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए उसके इंटरफेस के बारे में हम लोग चलिए, यहां पर हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट इंटरफेस है ऑटोडेस्क मोल्ड फ्लो एडवाइजर का, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट वाला एक ऑप्शन है, ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट या फिर ओपन प्रोजेक्ट,
ठीक है। तो अगर अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, नई प्रोजेक्ट पे यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पर फोल्डर और डेस्टिनेशन बताएगा कहाँ पर वो सेव होने वाला है, राइट। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट नेम की जगह कुछ भी डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया चेयर, क्योंकि मैं चेयर का ही एक कंपोनेंट लेने वाला हूँ। इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। चलिए, और इसको मैंने ओके कर दिया है लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला होम वाला बटन दिख रहा है आपको, उसी तरह से यहाँ पर टूल भी है, व्यू, ज्योमेट्री, यहाँ पर जो चीजें हैं सभी का अलग अलग यूज है। लेकिन पहले हमको पार्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तब तक कोई भी चीज खुलने नहीं वाली, ठीक है। तो पार्ट को हम लोग सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास भाई कि पार्ट को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं वेयर इज द पार्ट। तो मैंने यहाँ पर एक पार्ट ले लिया, एंड क्लिक करते हैं एचडी फॉर्मेट में, पैरासोलिड फॉर्मेट में, इसको कर दिया मैंने ओके लाइक दिस, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, तो ये बेसिकली इंपोर्ट विजार्ड है, ठीक है। इंपोर्ट विजार्ड के अंदर जो यूनिट रहेगी वो एमएम में रहेगा, राइट। एमएम में हमको यूनिट बताएगा। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, मॉडल की जो जो ज्योमेट्री है, राइट, वो क्या होता है, पूरी तरह से कैलकुलेट होता है। तो मिलीमीटर में डायमेंशन बता रहा है इसका, कि इसके डायमेंशन ये रहे हैं, ठीक है, ये इसका डायमेंशन है, ठीक है ओके। तो यहां पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन देखेगा एडवांस ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर ये इस पूरे मॉडल को चेक करेगा, और चेक करके स्कैन बोल सकते हो, स्कैन करेगा ताकि कोई डिफेक्ट वगैरह या फिर कोई सरफेस इसके अंदर छूटी तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी सरफेस वगैरह छूटी रहेगी तो इसको इम्पोर्ट नहीं करेगा। अगर मॉडल पूरी तरीके से ठीक है ना, तो इसको ये पूरी तरह से इम्पोर्ट कर देगा, राइट। तो इसको इंपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, जब तक 100% नहीं होगा तब तक ये इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ड्यूल डोमेन को हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग इसको फिनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है नाउ ये रेडी हो चुका है, किसके लिए, ताकि हम लोग इसके ऊपर एनालिसिस करें, है ना, एनालिसिस करें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है हमको वो है यहाँ पर इंजेक्शन लोकेशन। मुझे इसकी इंजेक्शन लोकेशन को बताना है। देखो इंजेक्शन लोकेशन मैं बेसिकली दूंगा यहाँ पर पीछे की तरफ, इंजेक्शन लोकेशन प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर ईस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इसका इंजेक्शन लोकेशन है लाइक दिस ओके। यहाँ पर सब उसके बाद देखेंगे मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। तो मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं हम लोग। तो मैं अभी यहाँ पर जो मटेरियल लूंगा वो पीपी लूंगा, विच इज द पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। और यहाँ पर करके मैं इसको फिनिश कर दूंगा, बाकी जो भी उसकी प्रॉपर्टी रहेंगी वो उसके साथ एड हो जाएंगे ओके। तो यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। मोल्ड का टेम्परेचर जो रहेगा वो 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और मेल्ट टेम्परेचर जो प्लास्टिक का रहेगा वो 220 नहीं होता, मैं पीपी का टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, ठीक है। इंजेक्शन प्रेशर विच इज द मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग का रहेगा, राइट। तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, है ना। जो भी लेवल है आप लेवल सेट कर सकते हो कि आपको एक्यूरेसी लेवल कितना चाहिए, तो मैं लेवल 2 कर देता हूँ, या लेवल 3 भी आप कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, है ना। और इसको फिनिश कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कंप्लीट, ठीक है। प्रोसेसिंग विजार्ड के अंदर हम लोग देखेंगे वही चीज आएंगे आपको, जिसमें मटेरियल प्रोसेसिंग सेटिंग रहेगा। यहाँ पर एनालिसिस विजार्ड में आप जिसको भी एनालिसिस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मुझे अभी जो चाहिए, मुझे सिर्फ अभी फील एनालिसिस करना है, राइट। मुझे कूलिंग क्वालिटी भी चेक करनी नहीं, सिंक मार्क मुझे चेक नहीं करना, तो जो भी आपको चेक करना है उसके ऊपर क्लिक करके, मतलब वॉक पे जाकर आपको चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, फील एंड पैक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूंगा, सिर्फ फील को मैं चेक करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मुझे इंजेक्शन प्रेशर और कॉन्फिडेंस ऑफ फीलिंग भी आने वाला है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं कर दूंगा फिनिश, यहाँ से फिनिश कर दिया। यहाँ पर देखो प्री एनालिसिस, तो योर मॉडल इज रेडी फॉर द एनालिसिस, यहाँ पर अगर ये लिखा आ गया कि योर मॉडल इज रेडी फॉर द एनालिसिस, तो आप इसको एनालिसिस जारी कर सकते हो, है ना, ओके कर दो यहाँ पर। एंड द स्टार्ट एनालिसिस, ये यहाँ पर बटन दिख रहा है स्टार्ट एनालिसिस, यहाँ पर करो स्टार्ट एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, नीचे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये प्रोसेसिंग पूरी तरह से क्या होगा, इसमें मैश क्रिएट होगा, मैश क्रिएट होने के बाद पूरी तरह से एक बार ये फील होगा, फ्लो होगा। तो देखो यहाँ पर रनिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर 10%, इसी तरह से ये पूरी तरह से 100% जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वेयर इज द रिजल्ट, देखो यहाँ पर आपको जब फील एनालिसिस के रिजल्ट कुछ इस तरह से नजर आएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसका प्लास्टिक फ्लो कैसा रहेगा यहाँ पर जाके देखते हैं। देखो यहाँ पर ये रहा रिजल्ट, ये रिजल्ट ओके। तो रिजल्ट पे जाके हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्लास्टिक फ्लो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर जाके मैं जस्ट प्ले करूंगा इसको, सी दिस इज द प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक का फ्लो कुछ इस तरह से रहेगा, एक बार फिर बना के देखते हैं। देखो जरा सी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से प्लास्टिक का फ्लो रहेगा।
कॉन्फिडेंस ऑफ फील अगर देखेंगे तो कैसा रहेगा भाई? कॉन्फिडेंस ऑफ फील मतलब अगर आप ये दिस इज द हाईएस्ट हाई ग्रीन कलर जो है वो हाईएस्ट है 100% है, मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीट फील हो जाएगा, भर जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट? तो ये आसानी से फील हो जाएगा, राइट? ठीक है, क्वालिटी प्रेडिक्शन देखेंगे इसकी, तो क्वालिटी प्रेडिक्शन में क्या दिखा रहा है कि भाई क्वालिटी इसकी मीडियम टाइप की रहेगी, ना ज्यादा हाई रहेगी ना ज्यादा लो रहेगी, हाँ मीडियम टाइप में आपको इस कंपोनेंट की क्वालिटी मिलने वाली है, ठीक है, आफ्टर कूलिंग, आफ्टर कंपोनेंट जब उसके अंदर से पूरी तरह से निकल जाए, राइट? ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसका देखते हैं इंजेक्शन प्रेशर कितना रहेगा भाई। चलो फील्ड टाइम देखते हैं पहले कि इसको फील करने में कितना टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पर मैंने उसको एनालिसिस करके देखते हैं, देखते हैं भाई कितना टाइम लग रहा है। सेकंड में लग रहा है 9.6 सेकंड, मतलब इसको करीब 10 सेकंड लगेगा इसके अंदर कंप्लीट प्लास्टिक को भरने के लिए, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके ऊपर इंजेक्शन प्रेशर कितना लग रहा है भाई, मैक्सिमम इसके ऊपर 22.60 मेगा पास्कल का इंजेक्शन प्रेशर लग रहा है, ठीक है, मतलब इसका जो टोटल प्रोजेक्टेड एरिया है, इसके प्रोजेक्टेड एरिया को हम लोग 22.60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्लैंपिंग फोर्स से कम होना चाहिए, राइट? ओके, चलो और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चाहिए। देखो एयर ट्रैप्ड देखते हैं कि एयर ट्रैप्ड होगी कि नहीं भाई, होने के चांसेस है लेकिन बहुत कम। देखो एयर ट्रैप्ड कहाँ कहाँ पर हो सकती है, तो वहां पर ये बता रहा है कि भाई यहाँ यहाँ पर एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस हैं, ठीक है, ओके। वेल्ड लाइन कहाँ पर हो सकती है भाई? सी वेल्ड लाइन बहुत माइन्यूट से वेल्ड लाइन आपको दिख सकती है, कहीं पर वेल्ड लाइन मिल सकती है आपको, जनरली आप इसको मेल्ट लाइन बोल सकते हो लाइक दिस, ओके, बहुत माइन्यूट से मिलेगी, ओके। और बाकी जो यहाँ पर देखो टाइम टू रीच रिच इजेक्शन टेम्परेचर, इजेक्शन टेम्परेचर तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा कि जब हम लोग इसको इजेक्ट करेंगे पूरी तरह से कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इसको लगेगा 181 सेकेंड, मतलब बोल सकते हो इसको 3 मिनट के आसपास लगेगा, है ना, 3 मिनट के आसपास इसको पूरा कंप्लीट ठंडा होने में लगेगा, ठीक है, 3 मिनट से ज्यादा भी आप मान सकते हो, लेकिन ये इसका प्रेडिक्शन है कि 3 मिनट कम से कम इसको लगेगा, 180 सेकेंड इसको कम से कम इसको ठंडा होने में लगने वाला है, तब आप इसको कंपोनेंट को इजेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द मोल्ड, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने फील एनालिसिस को समझा, कॉन्फिडेंस ऑफ फील को समझा इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, जिसमें हम लोगों ने गेट लोकेशन जो है इसके पीछे दिया है, अगर गेट लोकेशन हम यहाँ पर कहीं पर दूंगा तो इसका जो पूरा प्रेडिक्शन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से चेंज हो, राइट, ठीक है। चलो इस पूरी सीरीज में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, देखो तो अपकमिंग लेक्चर जो रहेंगे वो हमारा फील्ड टाइम के बारे में रहेगा, राइट, मोल्डिंग डिफेक्ट एनालिसिस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो फ्लो एनालिसिस से हम लोग वो चीज सीखेंगे, रनर बैलेंसिंग एनालिसिस, भाई रनर बैलेंस होना चाहिए जब भी हम लोग किसी कंपोनेंट को फील कर रहे हैं, मल्टी कैविटी कंपोनेंट को फील कर रहे हैं तो रनर शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। मोल्ड कूलिंग एनालिसिस के बारे में जानने वाले हैं, राइट, साइकिल टाइम एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि मोल्डिंग का जो पूरा साइकिल टाइम है वो कितना लगेगा या फिर वो किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड द फ्लो बिहेवियर एनालिसिस के बारे में भी जानने वाले, तो बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं तो चौके मत, बहुत सारे लेक्चर आएंगे, राइट। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच।